नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। रंगों का त्यौहार होली आने वाला है। इस वर्ष होली का दहन 7 मार्च को है। पुरानी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। तब से होली का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। होली का दहन पे लोग लकड़ी, उपले और छाड़ को इकट्ठा करके उसमें अग्नि लगाते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार होली का दहन के दिन कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। गलतियां व्यक्ति को गरीबी की ओर ले जाती है। होलिका दहन पे पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। जो लोग इस दिन लेन देन करते हैं उन्हें कंगाली का सामना करना पड़ता है। घर में सुख समृद्धि में कमी आती है। जिन लोगों का केवल एक पुत्र है उन्हें होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। हालांकि जिन लोगों का एक बेटा और एक बेटी है वह होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन सफ़ेद चीज़ों का सेवन अच्छा नहीं माना गया। फागुन पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है। इस दिन सफ़ेद चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, इसलिए सफ़ेद मिठाई, दूध, दही आदि का सेवन ना करें। होलिका दहन में आम, वट और पीपल की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। फागुन में इन तीनों वृक्षों की नई कोपले निकलती है, इसलिए जलाना वर्जित होता है। होलिका दहन के दिन अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन माँ का अपमान करने से जीवन में दरिद्रता आती है। होलिका दहन के दिन सुबह उठकर अपनी माता के चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल।